दोस्तों वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके लूँगा 8 से 10 मिनट, जिसमें हम सीखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम स्टील हमें स्लैब में कितना होना चाहिए, चेक भी करेंगे। देखो ये वीडियो वही देखना जो एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, क्योंकि बाकी ड्राइंग पे तो आपको सब मेंशन होगा, आप साइट पे एग्जीक्यूशन में काम करवाए हुए आपको ड्राइंग पे मेंशन होगा इतने का सरिया इतनी स्पेसिंग में डालना है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करे कि वो सही है कि नहीं है। मतलब कहीं आप किसी क्लाइंट को भी बताओगे कि ये सही है गलत है, तो आप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है सिविल इंजीनियर का, कि उसको टेक्निकली पता होना चाहिए कि स्लैब में कम से कम कितना सरिया कितनी स्पेसिंग पे आना चाहिए और मैक्सिमम कितना आना चाहिए। फिर बीम की वैसे बात करें, जैसे सामने बीम देख रहे हो, आपको पता है ये 3 सरिये जो ऊपर डाले हैं ये सही हैं गलत हैं, नीचे जो 3 सरिये डाले हैं ये सही हैं गलत, ये सब चीज़ें एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। हमने डिग्रिंग के दौरान ये किया है, डिज़ाइन किए हैं, चेक भी किया है, फार्मूले भी पता है, आइस कोड के वो फार्मूले भी पता है, सब पता है, लेकिन अभी हम इसको एक बेटर वे से एक प्रैक्टिकल वे से सीखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं स्लैब में कि वो सरिया सही है कि गलत है और यहाँ बीम में। तो कंप्लीट वीडियो देखो, आप इजिली निकाल लोगे, 8 से 10 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा कुछ आपका टाइम में नहीं ख़राब करने वाला हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो उससे पहले और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिलता है, सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पर मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलो जी देखो अभी शुरू कर देते हैं, IS 456-2000 जैसे कल की वीडियो में भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पढ़ना ही पढ़ना है, साइट पे जाके काफी काम आएगा, मैं फोकस कर लेता हूँ। ठीक है देखो, मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए एक स्लैब में, 0.12% ग्रॉस एरिया के। देखो ये हर एक के लिए अलग है, FE 415 mm स्टील, तो हम एक चीज पकड़े रहेंगे, कुछ ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसको पकड़ लो 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, याद रखना ग्रॉस एरिया का मिनिमम स्टील हमें इतना होता है। ये आपको बहुत जो इंटरव्यू होते हैं या आपके जो एग्जाम रहते हैं SSC के हो गए, कोई भी आपका स्टेट बोर्ड का हो गया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके क्लियर हो, मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो रही है, नॉलेज भी आ रहा है और एक आप अच्छे इंजीनियर बनने वाले हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्लैब है कोई हमारी 5 मीटर बाय 6 मीटर की कोई स्लैब है हमारी, ठीक है 5 मीटर ऐसे है 6 मीटर ऐसे है, कोई स्लैब है और मोटी उसकी 125 mm, और इससे कम रखनी भी नहीं चाहिए स्लैब आपकी, 125 mm मिनिमम स्लैब होनी चाहिए। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए, उसका फार्मूला था 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो वो बनता है हमारा ये फार्मूला 0.12 × V2 × D। V2 × D क्या है, 0.12 है परसेंटेज में था तो 100 से डिवाइड कर दिया, और BD इधर क्या लेना है आपको, देखो BD आपको लेना है एक छोटा सा पार्ट जो स्लैब का होता है ना, वो हमें लेना होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर का, तो 1 मीटर मैंने ले लिया, इसको mm में कन्वर्ट कर लिया, ए इधर इतने का निकल गया, इतने का तो निकल ही जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरे से, क्लियर इधर तक क्लियर हो गया। जैसे हमने एक बार आपने देखा होगा, मैंने लोड निकाला था स्लैब का कि वो सही है फेल नहीं होगी, कि कितना वेट होता है स्लैब का 1 मीटर बाय 1 मीटर का, वो उसी हिसाब से निकाल रहे हम, तो ये हो गया और 125 mm उसकी डेप्थ है, क्लियर इधर तक क्लियर हो गया। इसको हमने किया तो 150 mm स्केयर आया, तो 1 मीटर के एरिया में आपकी 150 mm स्केयर कम से कम स्टील होना ही चाहिए, कितना 150 mm स्केयर। और ये कई बोल रहे होंगे 150 mm स्केयर ये कौन से किस हिसाब का, हमें लगा कि सर नग बताएंगे कि एक एरिया में कितने नग आने चाहिए, नग 100 से 150 mm पे ही आते हैं, वो मैं आगे बताता हूं। तो ये होता है जैसे 8 mm का हमने सरिये यूज किया ना 1 मीटर के एरिया में, तो उसका आपको एरिया निकाल लेना है, तो एरिया निकाल दोगे, अगर एक रॉड का आपने एरिया निकाल दिया आपको पता चला कि वो आया 30 से 40, एग्जाम्पल है 30 से 40, तो इधर कम से कम आपकी कितनी रॉड होनी चाहिए 150 करने के लिए, 3 रॉड तो आनी चाहिए, तो ये इस हिसाब से होता है, मतलब आपका मिनिमम स्टील 1 बाय 1 के एरिया में 150 mm स्केयर होना ही चाहिए अगर 125 mm की स्लैब है। ये आप इजीली चेक कर सकते हो, अगर बाय चांस आपकी ड्राइंग पे मिसप्रिंट हो गया, आपकी ड्राइंग को वहां से खराब हो गई है और वहां आपको सिर्फ दिख रहा है 1, आगे आप सोच रहे हो कि 150 होगा कि 100 होगा 175, तो आप ऐसे करके उसको निकाल सकते हो, यहां तक क्लियर हो गया। अज्यूम कर लो 8 mm का बार हमने यहां प्रोवाइड किया था, और तो उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग हम कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग रखने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला होता है वो है 1000 / A minimum, जो मिनिमम स्टील है, इंटू पाई इंटू जो डायग्राम स्टील करें 8 × 8, तो ये आ गया 1000, ए मिनिमम कितना आया था हमारा, ये आया था 150, ये पाई का वैल्यू वैसे 3.14
8 mm का सरिया 8 / ये, तो हमारा आ गया 334 mm। इससे मैक्सिमम स्पेसिंग आपको नहीं देनी है, मतलब आपकी स्लैब में स्पेसिंग इतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। देखो ये आप आगे भी समझोगे, अगर हम मिनिमम स्टील निकाल रहे हैं कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम स्पेसिंग उसमें निकलती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इससे ज्यादा स्पेसिंग आपको स्लैब में नहीं देनी है। अभी मैक्सिमम स्टील निकालते हैं कि एक स्लैब में हम ज्यादा से ज्यादा कितना सरिया करेंगे, तो वो होता है 1% से 2% ऑफ बीडी, क्लियर। 1 वैसे ही परसेंटेज था 100, 1 मीटर के लिए निकालेंगे इंटू 125 डेप्थ हमारी, तो वो आ गया 1250 mm। इससे मैक्सिमम मतलब 1 मीटर की स्लैब में इससे ज्यादा सरिया नहीं होना चाहिए, 1250 mm स्क्वायर, इतने एरिया से ज्यादा सरिया नहीं होना चाहिए। और मिनिमम स्पेसिंग आप कम से कम स्पेसिंग कितनी रख सकते हो इसमें, वो निकलेगा 1000 / a max, वो आ गया था 1250, पाई इंटू 8 का सरिया यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया 1000 / a max था 1250, पाई 3.14, तो वो हो गया 40 mm, मतलब 40 mm से कम स्पेसिंग आपको नहीं रखनी है, मतलब 100 mm पकड़ के चलिए आपको मिनिमम स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, 40 mm से कम स्पेसिंग आपको नहीं रखनी है। ये हो गया हमारा स्लैब का। इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो आपकी स्लैब थी उसमें मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्टील कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये इससे निकल गया। अभी हम चलते हैं बीम की तरफ, तो बीम को भी समझ लेते हैं, बीम में कैसे हम चेक करते हैं कि वो सही है कि गलत। जैसे आपने स्टार्टिंग में स्लैब एक बीम देखा था, उसमें 3 सरिया ऊपर था 3 नीचे, तो वो सही था कि गलत, वो कैसे चेक करना है आपको। देखो इसमें सिंपल फंडा रहता है, फार्मूला फिर आईएस कोड 456 हमें बोल गया, और आईएस कोड 456 पढ़ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टील कंक्रीट के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज वहां पे आपको मिल जाएगा, आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां फ्री में पड़ा हुआ है वो। मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए 0.85 BD FY, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 4% BD, तो ये समझते हैं। ये याद आया अभी FY FCK ये क्या था, और हम जब डिजाइन कर रहे होते थे तो हम सोचते थे यार कहाँ हमने ये डिजाइन करने क्या आएगा काम, तो इस काम आता है आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये काम आता है। वो जो आपका आर्किटेक्ट होगा ड्राइंग दे देगा, आपको चेक करना है ड्राइंग सही है गलत है, ये एक सिविल, एक अच्छे सिविल इंजीनियर की निशानी है कि उसको ये सब चीजें आनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 मीटर का बीम है हमारा, एक लंबा बीम है, ठीक है, मिनिमम 5 मीटर का है मैक्सिमम, तो और 230 by 400 mm है, 230 ऐसे है और 400 उसकी डेप्थ है, और टॉप रिइंफोर्समेंट है 2 बार 12 के डाले हैं हमने, बॉटम में 4 बार 16 के। टेंशन जोन हमारा कहाँ रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन जोन नीचे रहता है, वैसे कैंटिलीवर बीम में टेंशन जोन ऊपर होता है, तो हमेशा जो बीम का किया जाता है मोस्टली टेंशन जोन के लिए चेक किया जाता है। तो मिनिमम को चेक करना है हमने, मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो कैसे निकालेंगे, फार्मूला था हमारा 0.85 BD FY, तो इधर चेक करो उसको कैसे है, तो ये आ गया हमारा सेम ऐसे BD आ गया हमारा, 230 by 400 का बीम था ये आ गया, और 550 के आया, ये इसकी स्ट्रेंथ आ गई, जो FE नहीं लिखा होता है बार आता है FE 415, 550, 600 ये सब, ठीक है, तो ये आ गया उसकी स्ट्रेंथ, तो हमारा आ गया 142.1 mm स्क्वायर, मतलब इतनी हमारी मिनिमम क्या वो होनी चाहिए उसमें सरिया होना चाहिए, इतना मिनिमम सरिया हमें उसमें चाहिए ही चाहिए। और अगर हम एक्चुअल जो प्रोवाइड किया, अभी देखते हैं ये जो हमने प्रोवाइड किया टेंशन जोन में, ये सही है कि गलत है, उसका फार्मूला क्या है, 4 बार है हमारे, और उसका फार्मूला रहता है, हमने सिर्फ एरिया निकाला है क्योंकि हमारे सर्कुलर बार है वो, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो हम कर लेते हैं 4 × 16 डाया हमारा गया था 4 बार 16 के, 4 आ गया, 16 × 16 3.4 ये क्या, और एक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है, 803 mm स्केयर आया। हमने मिनिमम चाहिए थी इस बीम में 142.1 mm स्केयर, और हमारी है कितनी, प्रोवाइड कितनी की 803, ये हमने बहुत ज्यादा प्रोवाइड की है, मतलब ठीक है ये बीम हमारा फेल नहीं होगा क्योंकि हम सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं 1.52 या 1.42, हर डिपेंड होता है सिचुएशन पे, सेफ्टी फैक्टर लेके चल रहे हैं तो ये सही है। फिर देखते हैं जो मैक्सिमम हम कितनी प्रोवाइड करनी होती है, वो होती है 4% BD, 4% BD की 4 ऐसे आ गया, 100 नीचे आया, 230 by 400 का कॉलम था हमारा, निकला हमारा 3680 mm स्क्वायर की, मैक्सिमम हमें उस बीम में इतनी एरिया की स्टील प्रोवाइड करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है, मैक्सिमम ये मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा करके तो वो ओवर रिइंफोर्समेंट हो गया, वो पता नहीं चलेगा, ब्रिटल हो जाएगा, कब टूटेगा कोई पता नहीं चलेगा, तो इतनी आपको प्रोवाइड करनी है। और हमने की कितनी है वो देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, ओवरऑल देख रहे हैं हम 2 बार के लिए, तो उसको निकालते हैं
कैसे, जैसे हमने इधर निकाली थी, चार बार थे इंटू डी स्केयर, तो दो बार है 12 के, ये किया 904, ये हो गया, फिर चार बार किसके हैं 16 के, तो वो हमने निकाल दिया 4 × 16, ये हो गया 803, तो ये आ गया, दोनों को प्लस किया 1780। हमने मैक्सिमम इतनी, मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हमारी आग इतनी रही, हमने बीम में प्रोवाइड कितनी की है 1780, मतलब हमारा बीम सेफ है, कोई फेल नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कितनी स्लैब में बीम में, ये एक सिविल इंजीनियर को जरूर आना चाहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और एक चीज जरूर बोल दूं आपको, और प्यार दीजिए हमारे दूसरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब चैनल को, जिसमें जॉब अपडेट होती है डेली, और सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल जिसपे बेसिक नॉलेज मिलता है, और परीक्षा जॉब अपडेट चैनल जिसपे इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, 1000 वीडियोस का वादा है, वहां हम वो निभा रहे हैं। और बिजनेस का अड्डा भी हमारा एक चैनल है, जहां पे बिजनेस टिप्स दी आपको दी जाती हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करो। थैंक यू गाइस।